सीएम सिटी में दस्तक दे दी है। इस बात की पुष्टि करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने समाचार एक्सप्रेस के साथ बातचीत में की। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में यह संक्रमण पाया गया है वह बिल्कुल स्वस्थ है। जानकारों के मुताबिक यह अधिक आक्रामक होता है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में जो सावधानियां बरती जाती हैं वही सावधानियां इसमें भी होनी चाहिए। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि इसकी रिहर्सल वीरवार को होगी। इसके लिए तमाम प्रबंध किए जा चुके हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगेगी, उसके बाद अलग अलग चरणों के हिसाब से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह घबराएं नहीं बल्कि जागरूक रहें और सावधानी बरतें। नववर्ष में ये बीमारी 2020 की तरह हावी ना हो जाए, इसलिए अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में, और मेरे साथ मौजूद है करनाल का सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम डॉक्टर योगेश शर्मा से कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं, और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि जो कोरोना का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन करनाल जिले में लगातार घटता जा रहा है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें एक जो चिंताजनक बात ये है, जो कोरोना का सेकंड स्ट्रेन है जो कि ब्रिटेन में से निकला हुआ बताया जा रहा है, उसने भी शायद करनाल में दस्तक दे दी है। उसके अलावा और सबसे जो उसके अलावा जो सुखद पहलू ये है कि अब कोरोना की वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग भी करनाल के स्वास्थ्य विभाग ने अपना सारे का सारा मैप तैयार कर लिया है। वो कैसे और किस फेज़ में लगेगा और इसके क्या चरणबद्ध होंगे, इसके क्या नियम होंगे, क्या तरीके होंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। सर, मैं सबसे पहले आपको बधाई का पात्र मानता हूँ कि आपके प्रयासों से और जनता की जागरूकता से जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार डे बाय डे डाउन आता जा रहा है, रिकवरी रेट करनाल जिले में बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि कोरोना के सेकंड स्ट्रेन का एक पॉजिटिव व्यक्ति हमारे करनाल जिले में आ चुका है, यानी कि उन्होंने दस्तक दे दी है। सर, अब अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य की, तो सर अब उनका स्वास्थ्य कैसा, उन्हें कहाँ पर ये ठीक बात है कि अभी हमारा अगर हम जनरल कोविड की सिचुएशन देखें तो करनाल में स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है दैट इज़ अराउंड 1% के आसपास हमारा अभी चल रहा है। और लेकिन जहाँ तक लंदन का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो उस स्ट्रेन की बात है, वो एक व्यक्ति जो कनाडा से आया था और उसकी ट्रांजिट फ्लाइट वाया लंदन थी, वो उसकी जैसे हमें सूचना मिली थी 24 दिसंबर को, तो उसको इमीडिएटली हमारी टीम ने संपर्क किया गया था और उसको टेस्ट किया गया था और उसमें वो पॉजिटिव आया था, तो और उसकी इमीडिएटली उसको टोटल आइसोलेट कर दिया गया था। और हालांकि उसमें कोई अभी वो स्वस्थ है, कोई किसी तरह के कोई ज़्यादा साइन सिम्टम बिल्कुल नहीं है, ठीक पेशेंट इस वक्त बिल्कुल ठीक है। उसके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स थे उस वक्त उन सभी की सैम्पलिंग करी गई थी और वो सभी नेगेटिव पाए गए थे। अब जब इसकी रिपोर्ट वहाँ से आई है 3 दिन पहले इसकी पॉजिटिव की आने की कि वो स्ट्रेन म्यूटेंट स्ट्रेन है, तो उसके बाद से और ज़्यादा सघनता से और ज़्यादा गहनता से और ज़्यादा बारीकी के साथ जितने कॉन्टैक्ट इसके कहीं से हमें डाउट भी पड़ता है वो सब की जांच की गई है। अभी तक जितने हमने टेस्ट किए गए वो सारे नेगेटिव आए हैं। देखिए, लोग सब ने हमें बता दिया है कि कोरोना के सेकंड स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। इसके लिए अब आवश्यक हो चुका है कि पहले से भी अधिक जागरूक रहें, पहले से अधिक सावधानी बरतें। लोग सब एक चीज़ बताइए, इसके साइन और सिम्टम्स पहले वाले कोरोना जैसे हैं, कोई डिफरेंट है? ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, साइन सिम्टम बिल्कुल सेम है उसी तरह से, ओनली जो लिटरेचर में या बताया जा रहा है कि ये मोर इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, जल्दी से स्प्रेड करता है, तो हम इसलिए हमें थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो हम एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने इतने महीनों से हम लगातार करते आ रहे हैं, मास्क पहनने और वो इसके लिए नहीं, हमें वैसे भी हमें अभी कुछ देर बनाए रखना है जब तक कि हमारी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो जाती। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसके साइन और सिम्टम पहले जैसे, इसमें हालांकि घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, वो अब ढिलाई ना बरतें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये मूल मंत्र दे दिया गया कि नए साल में कढ़ाई भी और दवाई भी। सर, अब मैं बात करूँगा कोरोना से रिलेटेड वैक्सीनेशन की। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आपने इसके लिए पूरी की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। सर, ये किस चरणों में चलेगा, इसके लिए कैसे कैसे आपने जो मैनेजमेंट तैयार की है, और ये कहां कहां पर लोगों को मिल सकती है सुविधा, और पहले फेज़ में किन को किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दें। सर,
इसमें बहुत अच्छी एक बात यह है कि कोविड की लड़ाई में अब भारत सरकार द्वारा दो वैक्सीन्स को मान्यता दे दी गई है और जल्द ही वो वैक्सीन जो है रोल आउट किए गए। उसके चलते हुए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा भी और करनाल द्वारा भी इसकी पूर्ण तैयारियां जो हैं कर ली गई हैं। जैसे कि आप सबको पहले भी बताया गया है कि जो ये कुछ डिफरेंट फेजेस में वैक्सीनेशन की जाएगी। सबसे पहला फेज़ जो है उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। सेकेंड फेज़ में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। थर्ड फेज़ में जो 50 इयर्स एंड अबव की पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसी तरह से फोर्थ फेज़ में जो 50 इयर्स से नीचे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इसी चरण के चलते हुए, इसी तैयारियों के चलते हुए हेल्थ वर्कर्स के लिए जो अब हमारा एक मॉक ड्रिल जिसको हम कहते हैं या ड्राई रन बोलते हैं वो हम कल करने जा रहे हैं। हमारी 6 जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उस पर ये 6 पे ये कल ड्राई रन किया जाएगा। उसका पर्पज़ ड्राई रन का यही है कि हम ये देखा जाए कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। ड्राई रन में सारा जो प्रोसीजर है उसी तरह से अपनाया जाता है। केवल एक्चुअल वैक्सीन नहीं लगती लेकिन पेशेंट कैसे आता है, कैसे बिठाना है, कैसे उसकी एंट्रीज होनी है, कैसे आइडेंटिफिकेशन होनी है, कैसे वो ऑब्जर्वेशन रूम में कितनी देर आधा घंटा बिठाना है, हर वर्कर का जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ होंगी उनकी उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, बायोमेडिकल वेस्ट का है और इवन वैक्सीन स्टोरेज का है। वो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कल टेस्ट करी जाएंगी। सर ये कितने दिन तक चलेगा अगर हम इसको मॉक ड्रिल या रिहर्सल का नाम देते हैं, कितने दिन तक चलेगी? ड्राई रन तो केवल कल के दिन के लिए है, वो कल 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए ये ड्राई रन जो है वो किया जाएगा और उसमें असेस किया जाएगा कि हमारे और हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सर जो ये वैक्सीन आ रही है इसको कितने से कितने तापमान तक हम रख सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके? ये जो वैक्सीन करी गई है वो हमारी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत वो रखी जा सकती है। सर अगर मान लीजिए जब ये वैक्सीन आ जाएगी करनाल ज़िले में और लोगों तक पहुंच जाएगी, सर इसका कोई मतलब रेट तय किया गया है या कुछ फिर सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के लिए या अन्य नागरिकों के लिए ऐसी कोई सुविधा प्रदान की गई है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या इम्यूनाइजेशन, हमारे जो इम्यूनाइजेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा? देखिए ये मैंने जैसे पहले बताया कि डिफरेंट फेजेस में इसको दिया जाएगा। अभी जो अभी तक जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं वो फेज़ 1 के लिए आई है। तो फेज़ 1 में हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं तो हेल्थ वर्कर्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आगे जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी वो आप सबसे शेयर कर ली जाएंगी। देखिए ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा, इन्होंने हमें बता दिया कि कल वैक्सीनेशन की, कोविड से लड़ने वाली वैक्सीनेशन की जो है रिहर्सल की जाएगी। इसमें पहले चरण में क्या क्या किन किन लोगों को लगनी है, कैसे 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 सावधानियाँ बरती जानी है, वो सब की सर कल रिहर्सल की जाएगी ताकि अगर कोई खामी हो तो उसे तुरंत दूर किया जा सके। क्योंकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह से इस लड़ाई में ढिलाई के मूड में नहीं है। मैं तरुण मुदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.